तो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने बाल वाल कटवाएंगे, भाई पैच वगैरह होंगे, क्योंकि बहुत दिन से मैंने बाल वगैरह नहीं कटवाए हैं और बड़े भी हो गए थे। तो अभी स्कूटी तो है नहीं हमारी, मैं सोच रहा था स्कूटी से जाऊंगा, लेकिन अब फिर इससे ही जाना पड़ेगा हमें, स्प्लेंडर से। तो अभी बाल कटवाएंगे। तो गाइस, मेरे को एक्चुअली मैं बड़े बाल पसंद हैं, लेकिन अब ज़्यादा बड़े हो गए थे, देख सकते हो साइडों से मेरे ज़्यादा बड़े हो गए थे बाल। तो अब यही कटवाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा मैं, ऊपर से ऐसे ही रहने दूंगा नॉर्मल, बस ये साइड वगैरह हल्की करवा लूँगा, जिससे कि भाई देखने में लुक आ जाए। और ऊपर के मैं बड़े ही रखता हूँ, तो बड़े ही बाल रखूँगा मैं ऊपर। और मैंने सुबह से शूट इस वजह से नहीं करा था, क्योंकि देखो मैं कल दिल्ली गया था, और कल का व्लॉग आपको देखने भी मिला होगा। तो कल मैं दिल्ली गया था, फिर मैं आया था रात को 1-1.30 बजे अपने घर आया था। फिर 3 बजे हम उठ गए थे, सहरी खा रहे थे, तो 1 बजे तो मैं घर ही पहुंचा था। फिर उसके बाद नींद नहीं आई थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि यार अब सहरी करने के बाद तभी सो जाएंगे। तो सहरी करने के बाद फिर मैं सोया, तो जब सोया तो भाई थकान इतनी ज़्यादा थी कि बस पूछो मत, कि 12 बजे तो हम उठे, सो के उठे थे अपने 12 बजे। तो इस वजह से अब टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं, अब 4:30 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, और अब जाएंगे हम बाल कटवाने के लिए, और कटवाते हैं और देखते हैं कैसे लगते हैं भाई बाल कटवाने के बाद। एक्चुअली मैं कटवाता नहीं हूँ इसी वजह से, क्योंकि भाई लुक नहीं आता है बाल कटवाने के बाद। बाल कटवाने के 10-15 दिन बाद तब आपके बाल बिल्कुल लुक में आ जाते हैं। तो गाइस, अभी मैं जा ही रहा था और अपनी स्कूटी आ गई है, तो अब स्कूटी से ही चलते हैं। बाइक से मेरे को इतना शौक़ नहीं है बाइक का, तो बाइक से नहीं जा रहे हम, अब हम चलते हैं अपनी स्कूटी से, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपना बाल कटवाने के लिए। भाई इसमें तो पेट्रोल भी नहीं है, देखते हैं, चलो जो होगा देखी जाएगी। चलो अब हम लोग आ चुके हैं अपने सैलून में, और यहाँ कटवाते हैं अपने बाल। तो गाइस, अब हम चल दिए हैं अपना बाल कटवा के घर की तरफ, अलग ही दुकान। अभी हम जा रहे हैं जनरल स्टोर। एक्चुअली में घर से कुछ फ़ोन आया था, घर से फ़ोन आया था, तो उन्होंने कुछ सामान मंगवाया है, तो अब वो सामान लेके फिर चलेंगे घर। बाल हमने कटवा लिए हैं, और ये देख सकते हो आप बोरी दुकान, घर चलते हैं। तो भाई सामान ले लिया है हमने, और अब हम सीधा जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये हमारा पुराने घर का रास्ता है, जहाँ हम पहले रहते थे वहीं का ये रास्ता है। तो भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम रहता है, और शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ से, रॉन्ग साइड से तो अभी जगह नहीं है, एक्चुअली में हमारा घर दूसरी साइड है, तो यहाँ पर भीड़ बहुत हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे से ही यू टर्न लेके तब आ जाऊँगा। भाई आ गया है हमारा यू टर्न, और यहाँ से ले लेते हैं सीधा अपना यू टर्न। मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन प्लस बस स्टॉप, दोनों चीज़ें बहुत पास हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारी जा रही है बस, और यहाँ से ले लेते हैं हम यू टर्न। तो यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है, अब मिलते हैं सीधा आपको घर। तो गाइस, बाल कटवा के हम लोग आ चुके हैं, और अभी तो आपको ऐसे ही लग रहे होंगे कि हाँ यार अभी अजीब से लग रहे होंगे, तो अभी नहाते हैं और फिर इन्हें बाल वगैरह सेट करेंगे, ड्रायर से थोड़ा बहुत सेट करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसा हमारा लुक निकल के आता है। तो अब नहा धो के फिर इफ्तारेंगे हम अपना रोज़ा। तो गाइस, नहा धो के हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और मगरिब का टाइम हो गया है, हमारी इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। तो हम बाहर ही आए थे अजान सुनने के लिए, और अपना बिल्ला जो है उसे भी टहलाने आ गए थे, तो बस अजान सुनते हैं और फिर करते हैं अपनी इफ्तारी।
तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारी भांजी आ गई थी तो उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया था ज़्यादा। तो अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो इसके, तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।